1698 में औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा किया। पहले जिंजी का किला अंग्रेजों से शिवाजी महाराज ने जीता था। बाद में शिवाजी महाराज के साथ संधि कर औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा किया। 1813 में आज ही के दिन पर्शिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1867 में आज ही के दिन स्वेज नहर से पहला जहाज गुजरा। स्वेज नहर से पहले दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे, पर 1887 से रात में भी जहाज का संचालन शुरू हुआ। 1878 में आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को शहर में पहला टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। 1915 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। 1933 में आज के दिन अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज़वीक का प्रकाशन शुरू हुआ। 1947 में आज के दिन सोवियत संघ में वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण शुरू हुआ। 2009 में चुनाव आयोग ने अंतरिम चरण के मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता को किसी भी दल की ओर आकर्षित न किए जा सके, इसलिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी। इतिहास आज का में हम महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के आज के दिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हुए 1883 में शहीद हो गए। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिर ढोड़े गांव में हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के की पढ़ाई कल्याण और पुणे में हुई। 15 साल की उम्र में उन्होंने पुणे के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। फड़के पुणे में नौकरी करते समय स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में रहते थे। वासुदेव बलवंत फड़के पर महादेव गोविंद रानाडे का खास प्रभाव पड़ने के कारण अंग्रेज राज के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद फिर एक बार भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी फड़के ने ही जलाई थी। उन्होंने देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें राज्यों से सहायता नहीं मिलने के कारण शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी। 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोली भील और धांगड़ जातियों को एकत्र कर रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। मुक्ति संग्राम के लिए पैसे एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा था। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए थे। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम बाग में इकट्ठा हुए। वहां पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहां आ गए। अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को आग लगा दी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दूसरे ही दिन बंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगाकर अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा, उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फड़के की सेना का गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी मानी और वे पुणे के पास के आदिवासी इलाकों में छिप गए। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। किसी ने उनके यहाँ होने की खबर अंग्रेज अफसर को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान की जेल भेजा गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।